गड्डी से एक मुंडा उठ रहा है, उन्हें चाकू कटिया और क्या मैनू की बैठ जिन्नी मेरे से जान सी, मैं उन्हें पूरी अपनी जान लगा के उन्हें धक्का मारिया कि मैनू ना गड्डी च बिठा पावे, तो मैं उत्थों भज गई। अगर तुहानू लगता कि वो एरिया सेफ नहीं हैगा, तो तुहानू लगता कि रात को नहीं कल्ले को जाना चाहिए, तो क्यों जाना उस पासे, वो तो खुद ही हो गया आ बैल मुझे मार वाली गल। जे आप ये गल सोचने लग गए फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो जिथे मैनू उत्थे मैनू गुस्सा दिखाना चाहिए सी, मतलब अपना एग्रेसिवनैस दिखानी चाहिए सी, मैं तो उही दिखाई। जे मैं उत्थे चुपचाप इगनोर कर देंदी वो कुछ भी कर सकते सी मेरे ना, मैनू नहीं पता अज मैं इत्थे बैठी हुंदी या नहीं बैठी हुंदी। रात को 9:30 हुए थे तो मैं अपने कजन नू लैन जा रही थी मार्केट विच, तो मेरी एक्टिवा दे विच आके ना एक मुंडा वज्जिया, बाइक वज्जिया के मुंडा ड्रिंक कीता होया सी उहने, तो जो डिग गया तो मैं देखने लिए चली गई, मैं क्या शायद हिल नहीं रहा तो कोई सट ना लग गई हो, मैं जो जाके देखा तो वो गालां कढ़न लग पाया, जो उन्हें गाला कड़िया तो मैंने भी गुस्सा आया, तो फिर मैं उन्होंने फड़ के कुटिया पहला तो। बट फिर भी आप मारा कुट ऐसा अच्छा नहीं लगता कुड़ियों को, खासकर मतलब मैंटली टॉर्चर करते रहते हैं, तो उस चीज़ लिए मैं लगता कि लड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। बट आप जिदा डेली सानू कोई कमेंट करता हूँ, आप कि पंगे लगे हर किसी के नाल, तो लड़ाई कर नहीं सकते, हो सकता कि कल नू कुछ होर उल्टा कर दे। ने कमेंट भी किया जे मैं उत्थे कुछ उन्होंने बदतमीजी करा या मैं उत्थे अग्रेसिव होवां, तो मैनू नहीं पता होएगा कि उन्होंने नैक्सट स्टैप की है, क्योंकि वो बिल्कुल एरिया सुनसान है, तो मैनू उत्थे भी बैटर यही लगता सीगा कि मैं शांति नाल उत्थों खिसक जावां। डर के बैठना किसी मसले का हल नहीं हुंदा, अगर आप डर के बैठ जूगे तो इहदे नाल तां उन्होंने भी नहीं चुप होना, उन्हों की हिम्मत होर वधूगी। अज दियां जिहड़ियां कुड़ियां उन्होंने स्ट्रोंग बनना पौगा, जदों आपां उन्होंने कोई जवाब नहीं दिंदे तो मुंडियां की होर हिम्मत वध जांदी आ, तो शायद इन्ना वर्गिया कुड़ियां होंदिया जिन्ना करके जो मुंडे उन्होंने हिम्मत वादी है, तो हर गली जाती कुड़ी नूं छेड़न की कोशिश करते हैं। जिथे जिथे चुप रह के काम हो सकता है, मैनू लगता नहीं उत्थे बोलन की लोड़ है। सो जे तुसीं निभ के कोई काम वधिया तरीके नाल करवा सकते हो, तो तुहानूं की लोड़ है किसी उपर मतलब कि जंप करन। ते इन्हां असीं तां फिर कोई ना कोई आके रोज़ ही इदा करूगा, एक बारी हो गया दो बारी हो गया, बंदा भी देखदा कि किन्नी बार बंदा सहलूगा। आपां कहिंदे आ कि गर्ल्स एम्पावरमेंट आ गई, वूमन एम्पावरमेंट आ, तो फिर की फर्क रह जूगा कि अपनी मम्मियों की सोच के अपनी सोच के, वो भी कहें कि इग्नोर करना सीखो, चुप चाप निकल जाओ, चाहे आराम ना कभी भी गल का सोल्यूशन नहीं। जे मैं गुस्से च एक बार कह दाँ या मार के कह दाँ या गाला कट के कह दाँगा, पढ़िया लिखा बंदा वो 10 बारी सोचूगा कि मैं कुड़ी नू बोलना या ना बोलना।